अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कब्रों की ज़्यारत के वक़्त पढ़ें। कब्रों की ज़्यारत के वक़्त जो दुआ पढ़ी जाती है, आज इंशाअल्लाह वो दुआ सीखने की कोशिश करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि सैयदना बुराइदा इब्न हसीब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को ये दुआ सिखाते हैं कि जब वो कब्रिस्तान जाएं तो पढ़ें। कौन सी दुआ है? अस्सलामु अलैकुम अहलद्दियार मिनल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون وإنا إن شاء الله للاحقون। एक दफ़ा फिर पढ़ा जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह तर्जमा भी किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम अहलद्दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशा अल्लाहु ललाहिकून, जिसका तर्जमा है सलामती नाजिल हो तुम पर इन घरों के मोमिन मकीनों, इन घरों के मोमिन मकीनों और मुसलमान मकीनों पर सलामती नाजिल हो तुम पर उन घरों के मोमिन मकीनों और मुसलमानों व इन्ना इंशा अल्लाह, और बेशक हम भी इंशा अल्लाह जिस वक़्त अल्लाह चाहे लाहिकून आपके पीछे पीछे चल कर आने वाले हैं, यानि आपके साथ हम भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक फौरन पहुंच जाए। नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर आपके सामने शो किए जा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आइंदा वीडियो तक इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।